मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सहस्त्रधारा रोड में दून डिफेंस ड्रीमर्स व नगर निगम देहरादून द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यही है मेरा ड्रीम सिटी थीम पर आधारित रहा। इस दौरान उन्होंने छात्रों के साथ सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि हमें दून को क्लीन सिटी ग्रीन सिटी बनाना है क्योंकि आने वाले समय में इस शहर का महत्व और बढ़ने वाला है। उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन एवं सुंदरता आने वाले भविष्य के लिए भी बचे। इसके लिए आज हमें स्वच्छता का संकल्प लेना है। उन्होंने कहा कि देहरादून शहर देश के प्रमुख शहरों में से एक है। इसकी स्वच्छता से हम पूरे देश में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक संकेत दे सकते हैं। साथ ही सीएम ने युवाओं से विशेष तौर पर स्वच्छता जैसे कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का आग्रह भी किया। मेरे नौजवान भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी के लिए आप लोग आगे आए हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत तेज़ी से जो सबसे पहले कार्यक्रम शुरू किए उन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम है स्वच्छ भारत अभियान। और उस स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने स्वयं हाथ में झाड़ू उठाकर वो स्वयं सड़कों पर निकले और सड़कों पर निकलने का एक संदेश था।